नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर सरायकेला इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जवानों के गश्ती दल पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। और ये सभी जवान झारखंड पुलिस और कोबरा बटालियन के थे, किसी मिशन पर जा रहे थे, तभी हमला हो गया और जिसमें 15 से ज्यादा जवान घायल हो गए, ऐसी खबर आ रही है। बताएं कि सभी घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची में इलाज के लिए भेजा गया है। आईडी धमाके में 15 जवानों के घायल होने की खबर है। सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए रांची इलाज के लिए लाया गया है। कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरायकेला इलाके में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का हमला हुआ है। गश्त कर रहे थे जवान, जिस दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। आईडी से हमला हुआ है, घात लगाकर हमला किया सुरक्षाकर्मियों पर। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चार तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। सत्यजीत, जानना चाहेंगे क्या खबर आ रही है 15 जवानों के बारे में। देखिए, 209 कोबरा बटालियन के जवान थे और वहां पे नक्सलियों ने एक बार फिर ये एहसास दिलाया है कि जब वो चाहें जैसे चाहें मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं। और ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए पूरी टीम निकली थी, पूरी बटालियन निकली थी। एम्बुश करके ये आईडी जो है ब्लास्ट किया गया, उसको ट्रिगर ऑफ किया गया है जब स्पेशल ऑपरेशन में ये बटालियन थी। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है अब नक्सली जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। भाकपा माओवादी संगठन के जो नक्सली हैं केशव राव के नेतृत्व में, और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन अपना जो आउटफिट है उसको वो स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो आईडी ब्लास्ट इसी के दौरान किया गया है, फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए, टेरर क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद जो है सुबह जो घटना घटी है उसके बाद उनको एयरलिफ्ट किया गया है। जो घायल जवान थे, जो इंजर्ड जवान थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया है। रांची के स्थानीय मेडिकल हॉस्पिटल में उनको रद्द किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। वो इलाका जो है पर्वत पहाड़ से घिरा हुआ, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए उनको नक्सलियों को वो टोपोग्राफी सूट करती है। और जो झारखंड है वो 5 राज्यों के सीमा से लगता है, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन अब जो है उसको उसके लेकर स्ट्रेटजी यहाँ के स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को बनानी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।